नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर में स्थित है और पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। दार्जिलिंग के जिलों की सीमाएं बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ मिलती हैं। यह समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और विभिन्न बौद्ध मठों और हिमालय की शक्तिशाली चोटियों से घिरा हुआ है। यहाँ की वादियाँ बेहद मनमोहक हैं और यह एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग सिर्फ चाय के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अपनी खूबसूरती के कारण ही यह शहर दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दार्जिलिंग की उत्पत्ति दो तिब्बती शब्दों दोरजे और लिंग से हुई है। दोरजे वज्र का प्रतीक है, जबकि लिंग का अर्थ है क्षेत्र या स्थान। इसलिए दार्जिलिंग आकाश में वज्रपात होने या तेज बिजली चमकने के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग का रंगेत घाटी रोपवे एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है। इस रोपवे से यात्रा करते समय आप खुद को बादलों के बीच पाएंगे और नीचे हरे भरे चाय के बागानों का नजारा भी आप रोपवे से देख सकते हैं, जो काफी मनमोहक होता है। दार्जिलिंग रेलवे अपने 2 फुट संकीर्ण गेज ट्रैक के कारण टॉय ट्रेन के नाम से प्रसिद्ध है। टॉय ट्रेन की सवारी की सुविधा सिर्फ दार्जिलिंग में ही उपलब्ध है, जिसके कारण यह विशेष माना जाता है। टॉय ट्रेन बेहद धीमी गति से चलती है, जिससे आप दार्जिलिंग की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों को अच्छे से निहार सकते हैं। आपको बता दें कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1919 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। दार्जिलिंग में टाइगर हिल से आप कंचनजंगा पर्वत के शीर्ष पर सूरज की पहली किरण से टकराने का विस्मयकारी दृश्य देख सकते हैं। उगते सूरज के खूबसूरत नज़ारे के साथ ही यह बर्फ के बदलते रंगों के लिए भी प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग में एक ऐतिहासिक वैधशाला पहाड़ी पर स्थित है और आप इस पहाड़ी की चोटी से नेपाल, भूटान, तिब्बत और सिक्किम की झलक भी देख सकते हैं। चाय प्रेमियों के लिए दार्जिलिंग एक स्वर्ग है। यहाँ तक अगर आप चाय के शौकीन नहीं हैं, तो आप हैप्पी वैली टी एस्टेट जैसी विशाल चाय बागानों की सैर कर सकते हैं। आप दार्जिलिंग के स्थानीय लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार करके यहाँ की संपदाओं के आसपास की असंख्य कहानियों और भूतों की कहानियों को सुन सकते हैं। खुशबूदार दार्जिलिंग चाय की एक चुस्की लेना लोग कभी नहीं भूलते। दार्जिलिंग संस्कृतियों और धर्मों दोनों में बहुत विविध है, जिसके कारण यहाँ का बाजार बहुत विस्तृत है। आप दार्जिलिंग से स्थानीय हस्तकला, संस्कृतियों के विभिन्न कपड़े, बौद्ध कलाकृतियाँ, तिब्बती कालीन और बहुत कुछ खरीद सकते हैं। दार्जिलिंग में घूमने लायक कई पर्यटन स्थल मौजूद हैं, इसलिए आपको कम से कम 3 दिन के टूर की योजना बनाकर ही यहाँ आना चाहिए। 3 दिनों में आप यहाँ के बहुत से स्थलों को देख सकते हैं। लेकिन यदि आप दार्जिलिंग की हिल्स बहुत अच्छे से घूमना और देखना चाहते हैं, तो आपको 5 दिनों की प्लानिंग करके आना चाहिए। पहले दिन रात में आराम करने के बाद अगले दिन सुबह से आपकी घूमने की यात्रा शुरू हो जाती है। पहले दिन के टूर में गाइड आपको मिरिक, पशुपति नगर यानी नेपाल की सीमा दिखाते हैं, जिसे घूमने में करीब 4 से 6 घंटे लगते हैं। आमतौर पर दूसरे दिन का टूर सुबह 4 बजे से 7:30 बजे के बीच शुरू होता है, जिसमें पर्यटकों को सिर्फ जीप से 3 स्थानों यानी टाइगर हिल, बतासिया लूप और येगाचोलन बौद्ध मठ दिखाया जाता है। तीसरे दिन पर्यटकों को स्थानीय पर्यटन यात्रा कराई जाती है, जिसमें लगभग आधा दिन लगता है। इस दौरान कुल 7 पॉइंट्स दिखाए जाते हैं, जिसे आप सुबह 9:30 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच देख सकते हैं। इस दौरान हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान और प्राणी उद्यान, रोपवे तेंजिंग रॉक, रॉय विला, छोटा रंग से छोटा रंग मीति एस्टेट, तिब्बती शरणार्थी स्वयं सहायता केंद्र, लेबोर्न स्टेडियम आदि दिखाया जाता है। आमतौर पर पर्यटकों को चौथे दिन 5 पॉइंट दिखाए जाते हैं, जिसे आप सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे और दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच देख सकते हैं। इस दौरान पर्यटकों को जापानी मंदिर, लाल कोठी, अवाद गैलरी, धीरधाम मंदिर, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय दिखाया जाता है। अंतिम दिन आपको सुबह 9 बजे से 12 बजे और शाम को 2 बजे से 5 बजे के बीच रॉक गार्डन, गंगा माया पार्क का टूर कराया जाता है। दार्जिलिंग में इन दृश्यों के अलावा भी बहुत कुछ देखने के लिए मौजूद है। आप अपने समय और सुविधा के अनुसार यहाँ की यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। दार्जिलिंग के आसपास के शहरों में हवाई जहाज, ट्रेन और बस से आने की सुविधा मौजूद है। इन स्थानों पर पहुँचने के बाद आप आसानी से दार्जिलिंग जा सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्रांति ओडिशा का यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।